प्रधानमंत्री के 10,000 किसान उत्पादन संगठन के गठन के लक्ष्य के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा बुरांस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है, जिसके चलते रामनगर कोटाबाग विकास खंड सभागार में बुरांस फार्मर फर्टिलाइजर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा आम सभा और किसानों के साथ बैठक कर किसानों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों को फसल उत्पादन से लेकर मार्केट उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं परियोजना के बेसिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसएन चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नाबार्ड इसमें किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लस्टर लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से किसानों को उनकी उत्पादन का सही दाम मिल सके। रामनगर से संवाददाता कुलदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम है वो ये इसका जो है कोटाबाग में जो प्रधानमंत्री की सेंट्रल स्कीम के तहत जो 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए। इसके तहत नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कोटाबाग ब्लॉक में बुरांस किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है, जिसमें सहयोग नाबार्ड के द्वारा किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस कंपनी से किसानों को कैसे लाभान्वित किया जाए और कैसे संगठित किया जाए। इसके लिए सबसे पहला किसानों को इस कंपनी के बनने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो उनकी लागत में कमी आएगी, दूसरा उनका जो उत्पाद होगा उनको अच्छे दाम पर कैसे अच्छे मूल्य दिलाया जाए, इसके लिए कंपनी अपना CLC सेंटर खोलेगी और उसके तहत कंपनी जो किसान है उनका माल को उचित दाम पर उचित व्यापारियों को अच्छे दाम पर बिकवाया जाएगा। तीसरा है कि किसानों को जो खाद बीज दवाइयों की जो उचित गुणवत्ता है तो सस्ते दाम पर कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए ये कंपनी काम बुरांस प्रोड्यूसर कंपनी काम करेगी। और किसानों का जोखिम कम कैसे किया जाए और उनको संगठित हो करके एक बड़े प्लेटफॉर्म में ला के और उनकी जो उत्पाद है उनको उचित मूल्य दिलाया जाए और इवन प्रोसेसिंग करके बाई प्रोडक्ट बना के उनको कैसे अच्छे दामों में बेचा जा सके, इसके लिए किसान जो बुरांस किसान प्रोड्यूसर कंपनी है यह भविष्य में काम करेगी और किसानों को लाभान्वित करेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। मैं नवीन चंद जोशी अमलाकोट का निवासी हूं और ये जो फार्मरों की हमारी कंपनी बनी है बुरांस फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, इसका इस समय नवनियुक्त चेयरमैन हूँ। इस कंपनी को हमने 13 जुलाई 2021 में रजिस्टर करा। हमारे 12 BODs इस समय इसमें कार्य कर रहे हैं और हम पूरे कोटाबाग क्षेत्र में एक किसानों का बड़ा संगठन बनाना चाह रहे हैं और मध्यम निम्न वर्ग के जितने भी काश्तकार हैं वो हमसे 400 की संख्या में जुड़ भी चुके हैं और हमने इसको काफ़ी आगे तक ले जाना है। हमारा लक्ष्य कम से कम 10,000 फार्मरों के साथ काम करने का है और यह संगठन फार्मरों को उनकी छिपी हुई बेरोजगारी भी कम करेगा। हमारे फार्मरों के बीच में पढ़े लिखे नवयुवक हैं जो इससे जुड़ेंगे, वो भी लाभान्वित होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर धीरे धीरे करके टमाटर आंवला जो भी यहाँ पर नकदी फसल है उसको हम बाज़ार में अच्छी जगह पर बेचेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, जैसे अचार मुरब्बा जान जेली टाइप से चीज़ें भी आएंगी। उसके साथ साथ ही इसकी मार्केट भी यह कंपनी खुद करेगी। हमारे कल की डेट में यानी कि 7 तारीख को CEO और अकाउंटेंट अपॉइंट हो गए हैं। इसका जो ऑफिस है SBI के नज़दीक होटल के रूम से प्रसारित किया जा रहा है और मात्र 3 महीने में हम लोगों ने नाबार्ड की शर्तों के अनुसार 300 फार्मर मिनिमम FPO वाला CD पार कर ली है। अब हमें आगे कार्य करना है।